दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे या आधार कार्ड को वोटर आईडी में कैसे लिंक करें। आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या वोटर आईडी नंबर, आपने जिससे भी इसमें रजिस्ट्रेशन किया होगा या अकाउंट बनाया होगा वह यहाँ पे इंटर करेंगे। यदि आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो इससे पहले मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाकर देख सकते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। यदि आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या वोटर आईडी नंबर में से जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया है वह यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से जो कैप्चा शो हो रहा है यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पे वोटर पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे न्यू ऐड किया गया है आधार लिंकेज का, तो इस पर क्लिक करना है आधार लिंक करने के लिए। उसके बाद से आपने जिस नाम से वोटर पोर्टल का अकाउंट क्रिएट किया होगा वह नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको राइट साइड में लेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिखा भी है कि डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर। यदि आपके पास पहले से ही वोटर आईडी नंबर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद से यहाँ पे अपना वोटर आईडी नंबर यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद से यहाँ पे राइट साइड में आपको फेच डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपका जो डिटेल होगा वो फेच हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो भी रिकॉर्ड इसमें होगा यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, पिता का नाम शो हो जाएगा, उम्र शो हो जाएगा, स्टेट शो हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र शो हो जाएगा, ईपीआईसी नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पे सब सारा कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ आपको एक बॉक्स पॉपअप होगा, यहाँ पे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर इसमें इंटर किया होगा या जो आपका आधार से लिंक होगा यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप सक्सेसफुली आपका डिटेल वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो भी डिटेल इसमें होगा आपका वोटर आईडी में यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको 6B फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके पास आधार नंबर है, तो आधार नंबर लिंक करने के लिए इस पर टिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, जो भी आपका आधार नंबर होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे डेट और नेम आपका और पहले से यहाँ पे इंटर करना है, जो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका फॉर्म 6 का प्रारूप शो हो जाएगा और यहाँ पे आपने जितना भी डिटेल फिल किया होगा यहाँ पे सारा कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एडिट और सबमिट का, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो रिक्वेस्ट होगा आधार से लिंक करने का वोटर आईडी वो सबमिट हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस आईडी प्राप्त होगा, तो उसे नोट कर लेंगे आप। उसी से आप ट्रैक करेंगे तो आपको वहाँ पे शो होता रहेगा कि आपने कब दिया था और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे मैंने पहले से ही दिया हुआ है तो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो गया है। यदि आपका पहली बार होगा, आपने पहले नहीं करवाया होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं शो होगा, आपका एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से अपना वोटर आईडी को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
दोस्तों यदि ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि वीडियो से रिलेटेड और भी कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।